हाय गाइस, दिस इज फन क्यू। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बहुत से लोग अपनी डॉटर को यानी बेटी को अपना बोझ समझते हैं, तो उसी इशू को लेके आज हम एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे साथ है हिया। बेटा हाय बोलो। ये सोशल एक्सपेरिमेंट के लिए हम ये फ़ोन है जो इसके बैग में डाल देंगे और देखते हैं कि लोगों का रिएक्शन क्या होता है जब हम इसे रोड पर अकेला छोड़ देंगे। चलो हेलो। अरे यहाँ पर कोई आपकी लड़की है, नाम क्या बेटा आपका? हिया करके कोई आपकी लड़की है, वो घूम हो गई है, वो आप जानते हैं इसको? बोल रही आपके नए घर से। कौन? ये मुझे ये रोड पे एक बच्चे मिली है। अच्छा। ये नंबर मुझे दिया है, वो कह रही थी कि मेरे पापा मुझे यहाँ पे छोड़ कर चले गए, तो आप यहाँ से उसे ले जाइए। तो आप यहाँ से उसे ले जाइए, वो बहुत रो रही है एक्चुअली। नहीं नहीं, मैंने उसे छोड़ा है और मैं उसे कहीं लेके नहीं जाने वाला हूँ। ऐसे कोई अपने बेटे को रास्ते पे छोड़ देता है? अक्कल नहीं है क्या? ये आपको पता नहीं है मेरी हालत क्या है? हालत खराब हो तो फिर बेटी को ऐसे रोड पे छोड़ देते हैं? शर्म नहीं आती आपको? नहीं, वो घूमते ही हुए एक्चुअली, उसे मैं ही छोड़ के आया हूँ। क्या मतलब है? क्या मैं लड़कियों से परेशान सुबह मिली, ऑलरेडी 3 लड़की है, कोई लड़की नहीं थी और उसके खर्चे से परेशान हो गया, बड़े हो गए मुझे अपने सर पे बोझ नहीं बना। तुम पागल नहीं गए बात कर रहे हो? देखो आपको बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी थी, मैंने क्या है जो अपन इतना पढ़े लिखे नहीं, अपने को मालूम है सब गलत है, समझ रहे नहीं तेरे क्या बोल रहा हूँ मैं? मुझे बेटी नहीं चाहिए, इनने मेरा जीना हराम कर दिया है। कौन पालेगा इन्हें बताओ? इनमें खर्चा कितना, पहले इनकी पढ़ाई पे खर्चा करो, फिर इनकी शादी पे खर्चा करो, इतने पे फालतू पैसे नहीं है मेरे पास, और इनके दहेज भी देना पड़ता है फिर ऊपर से। नहीं नहीं, ये आपकी सोच है, आप इसे ये पढ़ा लिखा कर कुछ ये अच्छा बना सकते हैं। ऐसे कैसे कोई लड़की को रोड पे छोड़ के जा सकता है? शर्म नहीं आती? आपको पता है ऑलरेडी इसकी 3 बेटियां हैं। तो मतलब उनके पढ़ाई लिखाई का खर्च, शादी के बाद दहेज का खर्चा कौन देगा? मैं अभी पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, आपके ऊपर केस करती हूँ, फिर बाद में बात करना। पर मेरी बेटी है, मैंने छोड़ दिया, मेरे को क्या करना, आपको क्या करना उससे? अरे तो तुम्हारी लड़की, तुम लेके जाओ ना इसको, ये घूम रही है, कहाँ लेके जाएंगे इसको रात को? लेके जाने के लिए थोड़ी छोड़ा है मैंने उसको। तो तुम काय को इसको पैदा ही किए? तुम उसका खर्चा तुम उठाओगे, उसकी शादी का खर्चा तुम उठाओगे, दहेज का खर्चा तुम उठाओगे? अरे लेकिन ये सब बात कहाँ से आती, तुमको समझ में नहीं आ रहा सब गलत होता है? अगर आपको इतनी चिंता है उसकी, तो आप ही उसे घर लेके जाओ और पाल लो उसे। मुझे हाँ, मैं लेकर चले जाऊंगा घर। मैं इसे अच्छी एजुकेशन दे दूंगा, और ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे बच्चों को अच्छी एजुकेशन देते हैं, ये हेल्प करते हैं स्टडीज में। पर मैं ये उससे पहले ये इसे पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा और आपके खिलाफ मैं कंप्लेन करूंगा कि आपने बच्ची को ऐसे रोड पे छोड़ कर चले गए, क्योंकि आपको आपकी बेटी बोझ लगती है। तुम जैसे लोग रहते हैं ना, अभी क्या बोलूं, गाली निकल रहा है मुझसे, लेकिन रहने दे अभी तो। ठीक है, मैं पाल लेता हूँ, तेरे को नहीं खर्चा उठाने का तो मैं पाल लेता हूँ, चल अपने बहुत ताकत है। जो करना तुम करो। हाँ, मैं पुलिस स्टेशन लेके जाता हूँ, और क्या कर सकता हूँ। अरे पुलिस की धमकी मुझे मत दो, समझे मेरे। अरे नंबर आ गया, पुलिस की धमकी क्या, तेरे को धमकी मैं देते नहीं, छोड़, मैं देख लेता हूँ क्या करना है मुझे। बेटा आप कब से यहाँ पे हो? आपने कुछ खाया? एक्चुअली ये बच्ची हमारी है, और हम एक सोशल वीडियो बना रहे थे, जो आपने जिससे बात किया था वो भी हमारे ही लोग थे, तो हम देख रहे थे कि आप बच्ची को बचाती हो कि नहीं। कैमरा वहाँ पे है। एक्चुअली हमारी बच्ची है, तो और ये हम लोग देख रहे थे कोई बचाता है कि नहीं। तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया, और वहाँ पे कैमरा भी, तो हमें ऐसे लोग की जरूरत थी।